रीज़न एक्चुअली एक एक्टर के लिए कैमरा फेस करने के लिए कोई रीज़न होता ही नहीं है. तो अभी प्रशांत के साथ मुझे काफ़ी टाइम से शूट करना था और पहले भी काफ़ी बार मैंने प्रशांत के साथ किया है एंड आई रियली लाइक हिज वर्क. तो अभी थोड़ा मुझे बीच में क्योंकि रोज़ शूट हो रहा है मुझे टाइम मिल नहीं रहा था, तो आज फाइनली थोड़ा टाइम मिला है. तो टाइम निकाल के मेरे को लगा फोटोशूट फटाफट फिनिश करवाते हैं, बिकॉज थोड़ा ये लुक कुछ सर्टन लुक्स थे मेरे वो, क्योंकि टीवी शो करने के बाद कोई टीवी इस लुक में कोई मैंने फ़ोटो शूट नहीं किया, उससे पहले भी कभी हमने किए हैं तो ये पर्टिकुलर लुक में नहीं किया था. तो अभी इसीलिए मैंने सोचा कि प्रशांत से बात करके और मैं ये फ़ोटो शूट करवाता हूँ अच्छे से. प्रशांत जो है तो प्रशांत समतानी एंड सो अभी पहले भी हम लोगों ने काफ़ी किया है, तो बस प्रशांत बताएंगे. प्रशांत एक्सपीरियंस तो हमेशा ही अच्छा रहा है, क्योंकि अंश मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है पहले से ही, हमने काफ़ी सारे फोटोशूट्स किए हैं साथ में. 2011 से हम लोग जानते हैं, आई थिंक. हाँ, इनफैक्ट हम लोग काफ़ी सारे फोटोशूट्स होते जा रहे थे. तो वापस अभी इनका खास करके सीरियल बहुत अच्छा चल रहा है, इनका लुक बहुत अच्छा है सीरियल में, और मैं चाह रहा था कि ऐसा लुक इनफैक्ट शूट भी करें हम लोग. अंश इनफैक्ट टाइम ही नहीं दे पा रहे थे, बट फिर मेरा फाइनली प्लान हुआ कि कुछ डिफरेंट हो जाए और समथिंग कुछ रिच ब्लेजर यूज़ करें, कुछ कैजुअल्स भी करें, थोड़ा सा सेमी बॉडी शॉर्ट्स भी होगा क्योंकि इनका भी पर्सनालिटी काफ़ी डिफरेंट हो गया. वो सबसे एक सब ओवरऑल प्लान किया कि लोकेशन पे जो जो सूट करेगा हम लोग वो सबसे प्लान कर रहे हैं ओवरऑल. प्रोफाइल आपने रियलिटी शो मेजर रियलिटी शो में भाग लिया, उसके बाद करीना के साथ एक ऐड किया, क्या कहना चाहेंगे ये सब जो आस्पेक्ट है आपके लाइफ का वो कितना इंपॉर्टेंट रहा है करियर में? एक्चुअली हर एक लाइफ में हर एक जो मोमेंट रहा है, हर एक जो यू नो एक स्टेप रहा है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है और बहुत मज़ेदार रहा है. और मैं बड़ा फॉर्चुनेट रहा हूँ जो मैंने हर एक मीडियम में मैंने काम किया है, चाहे वो टीवी कमर्शियल हो. और टीवी कमर्शियल में भी आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि मैं काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया था. करीना कपूर के साथ मेरे को काम करने का मौका मिला था, सोनाक्षी सिन्हा के साथ मैंने काम किया हुआ है. और उसके अलावा फिर देन मैंने एक फिल्म की थी जो कि काफ़ी अच्छे प्रोडक्शन की थी और काफ़ी अप्रिशिएट हुआ मेरा काम भी. तो फिल्म भी की, टीवी कमर्शियल की है, उसके बाद रियलिटी शो भी किया मैंने, जो मैंने मुझे कभी लगा नहीं था कि अभी कि मैं कभी रियलिटी शो करूँगा, बट वो शो इतना बड़ा था, करण जौहर, रोहित शेट्टी, महेश भट्ट, और तो मेरे को लगा कि नहीं ये तो मैं नहीं छोड़ सकता. और मैं बड़ा ही लालची किस्म का एक्टर हूँ, मेरे को लगता है कि सब कुछ मैं ही करूँगा. तो जैसे कि रियलिटी शो था तो मेरे को लगा नहीं नहीं ये तो मेरे को करना है, एज एन एक्टर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि करण जौहर हमारे जज थे, रोहित शेट्टी जज थे. और तो एक मौका मिला था कि मैं अपना टैलेंट उनके सामने दिखा दूँ, और मुझे बड़ा वो था एक कि यार मेरे को इनके मुँह से सुनना है कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ. तो हालांकि आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट और मैं काफ़ी मेहनत की, और मेहनत के बाद मुझे काफ़ी तारीफ़ें मिली थी करण जौहर की, रोहित शेट्टी की. इनफैक्ट रोहित शेट्टी सर ने तो मुझे डायरेक्ट भी किया था, वन ऑफ द एक्ट था मेरा एक स्टंटमैन का जो रोहित सर ने डायरेक्ट किया था. सो आई वॉज़ यू नो वेरी फॉर्चुनेट एंड आई वॉज़ द वन लक जो मैं एक बहुत खुशनसीब बंदा था जो कि जिसको रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया था, जो कि हमारे इंडस्ट्री के ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर हैं. जैसे कि बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का बड़े बड़े एक्टर्स को ही काम करने का मौका मिलता है उनके साथ, एंड उसके बाद मेरे को मौका मिला था कि वो मुझे डायरेक्ट करें. देन उसके बाद आई गॉट दिस शो जो स्टार प्लस का ही है, दिल तो हैप्पी है जी, एंड टीम बहुत अच्छी है हमारी, फोर लाइन्स एंड नीलांशनम मैम जो है हमारी. सो बहुत अच्छा लग रहा है, और आम जैसे कि मैंने बोला कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने मुझे हर एक यू नो मीडियम में काम करने का मौका मिला, चाहे वो टीवी कमर्शियल हो, चाहे वो रियलिटी शो हो, चाहे वो टीवी सीरियल हो, चाहे वो वेब सीरीज हो. सो एक एक्टर के लिए वही होता है कि यार काम करते रहो, और वही मैं कर रहा हूँ. हाँ डेफिनेटली, काम कहीं भी मिले काम करना मेरे को, तो चाहे वो इट डजेंट मैटर. एक एक्टर के लिए आई थिंक कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो वेब सीरीज़ हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फिल्म हो, एक्टर का काम करना है लोगों को एंटरटेन करना, बस वही कर रहा हूँ मैं. फिल्म प्रोजेक्ट एज कर उसके बताया कि वो फिल्म प्रोजेक्ट क्या मतलब यू नो आउटकम उतना ज़्यादा कमर्शियली नहीं होता सक्सेसफुल, कितना असर हुआ? देखो मैं जब दिल्ली से मुंबई आया था तो इतने सपने बड़े थे, बट सोचा नहीं था ऐसा होगा. जब मेरे को चीज़ें मिलने लगी तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव मैं पॉजिटिव सोच रहा था कि भैया मेरा सपना पूरा हो गया 70 mm पे आने का. एक हीरो की तरह मैं अमिताभ बच्चन की तरह डांस करना चाहता था उसमें 70 mm पे, और डायलॉग बोलना चाहता था. तो वो सब कुछ हुआ, मेरा सपना पूरा हुआ उस फिल्म से. चलना नहीं चलना वो आई थिंक वो डेस्टिनी है हर एक चीज़ की, बट आई थिंक एक एक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट वही होता है कि जो आप काम करो वो लोगों को पसंद आए. तो जिन लोगों ने मेरी फिल्म देखी थी, जिन्होंने मेरा काम देखा था, उनको मैं पसंद आया, आई थिंक वही रीज़न है कि मैं आज भी काम कर रहा हूँ.
न्यू जनरेशन लास्ट ईयर पूछा मैं न्यू जनरेशन ऑफ जो टेलीविजन एक्टर्स हैं सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम है जो कि फिल्मों में भी बड़ा नाम है तो क्या कहना चाहेंगे कितना डिफिकल्ट होता है टेलीविजन एक्टर को कि मैं इसे चेंज करके फिर मीनो बीइंग अ फिल्म एक्टर वो कितना चैलेंजिंग होता है डिफिकल्ट विफिल कुछ नहीं होता है आप आई थिंक आपके जब सपने बड़े होते हैं ना तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता देखो इजी तो कुछ भी नहीं होता है अभी किसी भी एक्टर की जो टीवी वाले एक्टर है जो फिल्म में जाते हैं आई थिंक वो फिल्म में इसीलिए गए हैं बिकॉज दे वो वेरी पैशनेट दे वो वेरी हार्ड वर्किंग अगर आप हार्ड वर्किंग या पैशनेट है तो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता है सो आई थिंक और जो जो लोग जैसे कि टीवी के बहुत और भी बहुत सारे टीवी के बड़े बड़े एक्टर्स हैं और आई थिंक हम बोलते हैं कि कुछ लोगों का नाम लेते हैं जो टीवी से निकल के आगे आए हैं जैसे शाहरुख खान है वो उन्होंने शुरुआत की थी टीवी में करते थे उसके बाद वो बहुत बड़े स्टार बने हैं और फिल्मों में आज तक काम कर रहे हैं नॉट बिकॉज ही वॉज वेरी लकी बिकॉज ही इज़ वेरी पैशनेट तो अगर पैशन है आपका तो आप हार्डवर्क वर्डवर्क कुछ समझ में नहीं आता आई नेवर फील कि मैं हार्डवर्क करता हूँ मैं तो बड़ा इन्जॉय करता हूँ मेरे को लगता है कि सही है यार 12 घंटे सिर्फ बैठ के लाइने वाले बोलनी है उसके बाद बस उसके बाद फेम भी मिल रहा है लोग पसंद भी करते हैं तारीफें भी मिलती है आई थिंक हार्डवर्क तो वो है जो जो शायद बहुत से लोग आई थिंक मजदूर लोग करते हैं तो ये तो एक्चुअली हम लोग ऐसा बोलते हैं हार्डवर्क डेफिनेटली थोड़ा है बट मैं उतना नहीं समझता हार्डवर्क इसको मैं तो इन्जॉय करता हूँ मेरे डैड हार्डवर्क करते थे ही इज़ नो मोर वो हार्डवर्क उनको लगता था मुझे लगता था वो हार्डवर्क करते हैं क्योंकि वो सुबह निकलते थे धूप में काम करते थे इधर उधर धक्के खाते थे मिट्टी धूल में वो लगता था हार्डवर्क करते थे मुझे लगता है मैं हमेशा यही फील करता हूँ जब काम करने जाता हूँ तो कि हाँ यार मैं तो 12 घंटे शूट ही कर रहा हूँ जब भी मुझे लगता है ना कि थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया फिर मैं अपने पापा के बारे में सोचता हूँ अपनी मम्मी के बारे में सोचता हूँ मुझे लगता है कि यार कुछ भी हार्डवर्क नहीं किया अभी तो करना है बाकी बहुत